गाइस दीदी जी पागल हो चुकी है। तो गाइस हमको भी खेलना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग को पता नहीं है, मतलब आप लोग को नहीं पता हो और लेकिन हमको पता है कि हम कहाँ पास आए। तो आज हम आपको यही का ब्लॉग दिखाने वाले हैं। अगर आपको पता है कि ये हम कौन सी जगह पे आए तो पहले बता दीजिए। तो चलिए आज अपना यही का ब्लॉग रहेगा। और ये जो पीछे दिख रहा होगा वहाँ रेलवे स्टेशन के हम इस साइड आए हैं, जो यहाँ पहले था। यहाँ जहाँ आप खड़े नहीं, यहाँ पर शायद रेलवे स्टेशन था और हमारे नाना जी जो थे वो लोको पायलट थे, तो उसी समय का ये रास्ता है। और यहाँ भी बहुत कुछ बन रहा है। तो गाइस उधर पास भी कुछ रेलवे का ही काम चल रहा है। वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है। तो चलिए आपको इधर और दिखाते हैं। वहाँ पास गाड़ी है, मतलब मालगाड़ी है यहाँ। तो आपको शहडोल में ज़्यादा मालगाड़ी दिखेगी। ये चोर आ गए हमको किडनैप करने। तो गाइस चलिए आज अपन को उस साइड जाना है, उस तरफ। तो चलिए जल्दी। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पास काम चल रहा है। तो ये रास्ता बनाया है पतला सा, पहले भी था ये रास्ता। और ये जो आपके सामने गेट दिख रहा होगा ये लोको था, ये पहले पूरा, है ना दीदी जी? ये बहुत पुराना गेट है, पता है। तो गाइस आप देख लीजिए बहुत पुराना गेट है। ये जग भी लगा है वहाँ पास, पटरियों में जो लगता है वो सब रखा है। यहाँ पास भी ये इलेक्ट्रिक वगैरह, हाँ ये भी बहुत पुराना है। तो गाइस यहाँ पास आपको जितना भी चीज़ दिखेगा सब पुराना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा, देखिए ना समझ में भी नहीं आ रहा वो लिखा क्या, इतना इलेक्ट्रिकल करके कुछ लिखा है। तो गाइस ये देखिए पीछे मालगाड़ी है। और यहाँ पास जो है ना आगे मिलेगा। वैसे शेड्यूल में अभी सिर्फ 3 नंबर तक प्लेटफॉर्म है और भी आने वाले समय में 4, 5, 6 हो सकते हैं। 6 बन रहे हैं शायद, यहाँ पास बनेंगे कि लगाए उगाए हैं ना ये सब। रोड से सब कुछ को घेरे हो रहे हैं। वहाँ पास हमारे शहडोल का फ्लैग, मतलब इंडियन फ्लैग दिख रहा है जो कि शहडोल में लगाए हैं। वैसे अभी हर स्टेशन में इतने बड़े बड़े लगाए गए हैं। तो गाइस ये खड़े हैं ना यहाँ पर, यहाँ पास पहले पटरियाँ हुआ करती थी। हमारे नाना जी बताया करते थे क्योंकि वो लोको पायलट थे ना, तो जो गाड़ियों से, मतलब मालगाड़ी से जो कोयला उतरता था और भी जो सामान आते थे वो सब उतरते थे इस साइड। गाइस भवंडर, भाई हम डर गए थे भवंडर। तो गाइस ये देखिए क्यूब्स है जो प्लेटफॉर्म में नहीं लगते हैं, साइड में। और इधर तो प्लेटफॉर्म बनेगा। तो ये इधर पास, यहाँ पास ना इसको सीमेंट से इसका वो जो नहीं आता है सेट। तो गाइस ये देखिए, क्या देखिए, हम तो आपको पटरी दिखा रहे थे, बोलना ही भूल गए। क्या देखिए, क्या 2 ट्रेन है गाइस वहाँ पास। तो गाइस यही पास प्लेटफॉर्म बनेगा अपना शेड्यूल का, पूरा घेर ओर के रखे, मतलब घेर के। इधर देखिए यहाँ पास सारे क्यूब्स हैं, क्यूब्स को रखे गए हैं जो प्लेटफॉर्म के साइड में लगते हैं। ये यहाँ ही पास सारे सामान वामान उतरता था। यहाँ आने वाले टाइम पे प्लेटफॉर्म रहेगा, तो कौन सा नंबर रहेगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म बन रहा है तब बताए। और ये भी बहुत पुराना सा कुछ मिल गया अपन को। दीदी जी बता सकते हैं ये क्या है? कुछ होगा, हाँ वो तो दिख, हाँ हो सकता है। क्योंकि काउंटर जैसा ही ब्लॉक है, हाँ ये पटरियों में लगता है। गाइस यहाँ की आपको मिट्टी दिखा दे, बहुत ज़्यादा काली है क्योंकि यहाँ पास कोयले उतारा करते थे। तो गाइस आपको उधर दिखा दे, तो वहाँ पर जो आपको ब्लू और जो येलो कलर का शेड दिख रहा है वो ट्रैक पॉइंट है जहाँ पास वो उतरता है, क्या बोलते हैं, वहाँ पास सीमेंट उतरते हैं। उस साइड हम आपको जाएंगे तो दिखाएंगे, वहाँ पास सीमेंट भी उतरते हैं, प्याज भी उतरते हैं, बहुत सारे सामान उतरते हैं। पहले वो रहता था गाइस। ये देखिए ये दूसरा ही लोहा है। और वहाँ पास, ओ हाय अंकल जी कितने अच्छे थे, वो सब भी बाई करने लगे। हाँ गाइस यहाँ पास सिर्फ पटरियाँ ही पटरियाँ। पहले कैसे इसको पटरी के नीचे जो अभी वो पत्थर डलता है, तो पहले ये डाला रहता है। हाँ और देखिए अभी तक इसको कुछ हुआ भी नहीं है, पहले यही कोयला उतरता है। हाँ ये मिट्टी कोयला यहाँ उतरता है, यहाँ कितने गंदगी है। हाँ यहाँ की मिट्टी जो है वो पाउडर पाउडर है, पूरा काले न हो जाएंगे, वैसे भी काली। तो यहाँ पास गाइस लाइन को स्टॉप कर दिया है। यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास आगे में पटरियाँ बन रही हैं और आगे ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। आज सोचे क्यों प्लेटफॉर्म बन रहा है तो आपको दिखाया क्यों ना जाए। गाइस हमारी दीदी जी कच्चा चावल खाती हैं और देखिए गाइस उस समय से बहुत ट्रेन निकल रही थी और अब भी एक भी ट्रेन नहीं दिख रही। जब हम लोग वीडियो बनाने स्टार्ट किया आपको दिखाए तो दूर से बस वही, तो आपको और दिखाते हैं। वहाँ पास काम चल रहा है। वाओ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये गिट्टी है तो गाइज ये देखिए गिट्टी है, गिट्टी गिट्टी गिट्टा। ओ ट्रेन आ रही गाइज, देखिए हम लोग यहाँ पहुँचे तो अब ट्रेन आ रही है। चलिए दिख जाएगा, आगे से दिख जाएगा, आगे से ही दिख जाएगा। गाइस वो देखिए ऊपर कितने सारे बाज हैं, ईगल। जो बाज नहीं समझ पाए उनके लिए ईगल, गिद्ध, गिद्ध हाँ, जो अब खत्म हो रहे हैं लेकिन हमको तो यहाँ पास खूब सारे दिख रहे हैं। बोलते हैं ये सब सांप पकड़ते हैं और ये बात सही है। यहाँ पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो देखिए जनरेटर जनरेटर सब कुछ लगा है, क्योंकि यहाँ पास तीसरी लाइन बन रही है और ये ब्रिज भी यहाँ पास बन रही है। इसको बोलते हैं पोंडा नाला। यहाँ पास पहले पूरा जहाँ हम लोग अभी चल रहे गाइस तो ये नदी था, नदी का जगह है, नदी के जगह को तोड़ के यहाँ पास बनाया जा रहा है। आइयो तो गाइस इधर जाएंगे अपन तो फतेहपुर जाएंगे और अपन वाह यहाँ टूट रहा है गाइस। ये पानी जो है आपको हम दिखाते कहाँ से आ रहा है। ये ब्रिज है, ये पानी इधर से आता है और ये जो थी पहले नदी का रास्ता था गाइस। ये यहाँ तक जब तक थे हम लोग सिंहपुर में थे और इस साइड आ गए हैं, तो अब हम लोग आ गए शहडोल के अंदर एंटर कर चुके। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग अपना। और पहले दिखा दें यहाँ पास स्वास्थ्य ग्रीन वैली भी बन रही है जो अभी आधी बन चुकी है और यहाँ लोग रहना भी शुरू कर दिए, तो अब रहना शुरू कर दिए तो एक तरह से बनी गई। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।